हेलो, स्वागत है आपका कैट कैम पीयर लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैट कैम पीयर लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन का इसे प्रेस कर दीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड वर्क पार्ट और फीचर डिजाइन के जो नेक्स्ट टूल्स है स्वेप्ट बॉस और बेस और स्वेप्ट कट, ये दो टूल्स कवर करेंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे स्वेप्ट बॉस अभी ऑफ है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एंटिटी क्रिएट नहीं किया। ओके, एंड ये जो टूल है स्वेप्ट बॉस बेस, इसे बाकी सॉफ्टवेयर में स्वीप कमांड भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे एंड देन उस पे स्केच करेंगे। ऑलराइट, नाउ स्केच देखो यहाँ पे मैंने सिंपल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं लाइन 0 0 से स्टार्ट किया मैंने। ओके, अब यहाँ से मुझे सर आर्क चाहिए तो मैंने लाइन से ही आर्क क्रिएट किया एंड देन थर्ड में स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, तो एक बेसिक हमने स्केच क्रिएट किया। ऑलराइट, एक सिंपल लाइन है एंड यहाँ पे आर्क से जॉइन है। ऑलराइट, अब देखो एक ही लाइन निकाला है मैंने। अब मैं टूल यूज करूंगा स्वेप्ट बॉस और बेस, सो मैंने इस टूल पे सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रॉपर्टी मैनेजर में प्रोफाइल एंड पाथ में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। जब आपके पास ओनली पाथ अवेलेबल है तब आप सर्कुलर प्रोफाइल यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे जो पाथ है ये आपको ये पाथ सिलेक्ट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका डायमीटर। सो डायमीटर अब देखो जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्वीप क्रिएट हो रहा है। ओके, सो अब देखो डायमीटर मैंने 50 किया, 60 किया और इसे कम भी कर सकते हो एंड ओके। राइट, सो आप देख सकते हो इजिली सर्कुलर स्वीप क्रिएट हुआ। तो आपको अगर सर्कुलर स्वीप यूज करना है तो ओनली गाइड कर्व ड्रॉ करो, आपको प्रोफाइल जो रहेगा सर्कल वो निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है वो फीचर। ऑलराइट, नेक्स्ट अगेन देखो स्वेप सिलेक्ट किया सर्कुलर प्रोफाइल 40 रखा मैंने एंड इसमें भी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा थिन फीचर अवेलेबल है। ऑलराइट, तो अगर मैंने थिन फीचर ऑन किया, ओके, एंड यहाँ पे मैं थिकनेस इंक्रीज कर रहा हूँ 2 mm, अगर आपको आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड इनसाइड चाहिए, इनसाइड ऐड कर सकते हो। तो ये क्या होगा, अंदर से कम्प्लीटली हॉलो हो जाएगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये थिन फीचर अप्लाई हो गया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप स्वीप का, ओके, सर्क्युलर प्रोफाइल। नाउ अब देखो सेकेंड टाइप में हमें प्रोफाइल चेंज करना है। अब मुझे हेक्सागोनल स्वीप चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अब देखो ये जो प्रोफाइल है इसे जो परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा उस पर आप स्केच निकालोगे। अब मैंने फ्रंट प्लेन पे ये प्रोफाइल निकाला है। ओके, तो अब देखो टॉप प्लेन मेरा यहाँ पे है तो टॉप प्लेन पे मैं स्केच कर सकता हूँ। सो टॉप प्लेन देन स्केच, कंट्रोल 8 से मैंने इसे नॉर्मल किया। अब देखो यहाँ पे किसी भी एक एंड पे आपको प्रोफाइल निकालना है। सो यहाँ पे मैं हेक्सागोन ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हेक्सागोन रहेगा। ओके एंड ओके, नाउ अब देखो मेरे पास दो स्केचेस है अलग अलग। अब ध्यान में रखो आपके पास ये जो टू सेपरेट स्केचेस होने चाहिए, एक ही स्केच में आप दोनों निकालोगे तो यहाँ पे स्वीप नहीं होगा। ओके, तो अगेन स्वेप्ट बॉस बेस, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहेगा, फर्स्ट वन है आपका प्रोफाइल, सेकंड वन रहेगा आपका पाथ। तो प्रोफाइल में आपका हेक्सागन सिलेक्ट होगा एंड पाथ में जो आपका ये कंप्लीट कर्व है ये सिलेक्ट होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हेक्सागोनल स्वीप क्रिएट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सर्कुलर था, अगर सर्कुलर है तो आपको प्रोफाइल निकालने का जरूरत नहीं है, अगर आपका प्रोफाइल डिफरेंट है तो आप इजीली यहाँ पे प्रोफाइल निकाल सकते हो। ओके, तो ये था बेसिक सिंपल। अब देखो सेकंड टूल जो रहेगा इसमें स्वेप कट, सेम वर्क करेगा जैसे हमने पहले देखा एक्सट्रूडेड बॉस एंड एक्सट्रूडेड कट, रिवॉल्व बॉस रिवॉल्व कट, ऑपोजिट वर्क करता है। अब देखो सेम इसके लिए हम लोग स्वेप कट यूज करेंगे। अब स्वेप कट में मुझे सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए क्योंकि प्रोफाइल निकालने का जरूरत नहीं है एंड पाथ में अब देखो पहले तो मुझे ये जो स्केच रहेगा स्केच को शो करना है। राइट, नाउ स्वेप्ट कट सर्कुलर प्रोफाइल एंड इसमें मैं ये पाथ सिलेक्ट करूंगा। ओके, एंड अब देखो इसमें यहाँ पे एक सर्कल कट आ रहा है। राइट, एंड अगर इसे इंक्रीज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 15 डायमीटर का सर्कुलर कट करना है। ओके एंड ओके, अब देखो यहाँ से अंदर से कट हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो अगेन आप सेक्शन व्यू देख सकते हो एंड ओके। अब देखो सेक्शन व्यू में हेक्सागन के अंदर से 15 डायमीटर का सर्कल कट हो जाएगा। ओके, तो जैसे आपने स्वीप ऑपरेट किया
सेम स्वेप कट भी यूज कर सकते हो। ओके अब देखो नेक्स्ट थिंग, आपको एक यहाँ पे डिफिकल्टी आएगा जो भी आप स्केच ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले तो जो प्रोफाइल आपको नॉर्मल निकालना है उसमें डिफिकल्टी आ सकता है। सो अब देखो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेकंड आपको एक मेथड बता रहा हूँ। तो ये हमारा प्लेन है, ऑलराइट। सो इसमें मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ गाइड कर्व, या आप लाइन टूल से सिंपल बना सकते हो। ऑलराइट ओके तो अब देखो ऐसा मैंने गाइड कर्व क्रिएट किया। नाउ पाथ तो हो गया, अब मुझे प्रोफाइल निकालना है, बट आप देख सकते हो कोई भी प्लेन उसे टच नहीं हो रहा। ऑलराइट तो अब क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे प्लेन चाहिए तो रेफरेंस ज्योमेट्री का ऑप्शन होगा। आप देख सकते हो फीचर टैब में यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री है, उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा प्लेन, हम लोग वन बाय वन भी कवर करेंगे। ओके तो प्लेन पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये कोई भी एक एंड लाइन सिलेक्ट करना है। ओके एंड देन सेकंड रेफरेंस में उसका स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। ओके अपने आप जब आप लाइन और पॉइंट सिलेक्ट करोगे सो उसके थ्रू लाइन को नॉर्मल एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो फुल्ली डिफाइंड मैसेज आ रहा है प्रॉपर्टी मैनेजर में, मैसेज जब आएगा इसे ओके कर दो, राइट। एंड अब आपका यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हुआ। अब इस प्लेन पे आप स्केच करके जो भी आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके तो अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल लाइन से। सो जैसे आपका स्टेप्स होता है सेम वैसे मैं सिंपल एक प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट एंड ओके एंड अब आप देख सकते हो मेरे पास दो स्केचेस है, एक पाथ रहेगा एक प्रोफाइल रहेगा। सो स्वैप बॉस, फाइल में ये स्केच सिलेक्ट किया, पाथ में ये स्केच